कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने लोगों को बहुत से आयुर्वेदिक उपाय बताते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संकट की स्थिति में बीमारी की रोकथाम इलाज से बेहतर है। अब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कोरोना से बचने के लिए उन्होंने लोगों को इस महामारी के खिलाफ लड़ने और जागरूक रहकर अपना ध्यान रखने की सलाह दी। उन्होंने ये विभिन्न आयुर्वेद और घरेलू उपाय भी बताए जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मदद करती है। बहरहाल यह उपाय साहित्य और वैज्ञानिक प्रकाशनों पर आधारित है। दुनिया भर में कोविड-19 के प्रकोप से संपूर्ण मानव जाति पीड़ित है। ऐसे समय में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना को रोकने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं सामान्य उपाय के बारे में। दिन भर गर्म पानी का सेवन करें, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योगा, प्राणायाम और ध्यान करें और भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया जैसे मसालों का इस्तेमाल करें। अब जानते हैं आयुर्वेदिक उपाय। इससे आप अपने शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, रोज सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करें और अगर आपको डायबिटीज है तो आप शुगर फ्री च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्के यानी हर्बल चाय दिन में 1 या 2 बार पिए। यदि आवश्यक हो तो गुड़ या ताजा नींबू का सेवन भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर 1 गिलास गर्म दूध के साथ मिलाएं और इसे दिन में कम से कम 1 से 2 बार पिए। इसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। अब कुछ आसान आयुर्वेदिक कर्म के बारे में भी जानते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। सुबह तिल का तेल या नारियल का तेल मुंह में लेकर इसे 2 से 3 मिनट तक मुंह में घुमाएं और फिर इसे थूक दें। फिर कुनकुने पानी से गरारे कर लें। यह उपाय दिन में 1 या 2 बार करें। सूखी खांसी या गले में खराश होने पर ताजा पुदीने की पत्तियां या अजवाइन की भाप को दिन में 1 बार लें। खांसी या गले में खराश होने पर लौंग के पाउडर को शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार पिए। ये उपाय आमतौर पर सूखी और गले की खराश से राहत दिलाती है, लेकिन अगर ये लक्षण बने रहे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। ये सारे उपाय घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। यह सभी आयुर्वेदिक उपाय काफ़ी लाभदायक हैं और इसकी मदद से आप कोरोना से अपना खुद का बचाव कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स में डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जैसे है हमारा जो नागपुर के खास करके इस यहाँ पर 6 ट्रायल के लिए दिया है। एक तो ट्रायल GMC में चल रहा है, वो I-64 के लिए चल रहा है। उसमें 60 सब्जेक्ट्स है, 30-30 का, और 30 पेशेंट को हम लोग ड्रग दे रहा है, 30 पेशेंट को कंट्रोल ग्रुप में कर दिया है। वैसा ही दत्ता मेगा मेडिकल कॉलेज में भी I-64 का भी चल रहा है और अश्वगंधा टैबलेट का भी चल रहा है। अश्वगंधा का 170 सब्जेक्ट्स है और एक प्रोजेक्ट हम लोग गुड़ुची गणवट्टी और सुदर्शन गणवट्टी का हम लोग ने कंटामिनेट जोन में भी किया है। सो 1500 कंटामिनेट जोन को उसका भी एनालिसिस अभी हो रहा है। और ख़ास करके अभी आयुष मंत्रालय और CCRS ने जो प्रोजेक्ट बनाया है SC डोमिनेटेड एरिया लोगों के लिए, सो उसमें 6000 लोगों के लिए ये सब्जेक्ट्स के लिए, ये पेशेंट्स नहीं है जो सब्जेक्ट्स है, सो उनको हेल्दी, उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा रक्षक किट बोल के हम लोग दे रहा है। डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ दी 8 कॉलोनीज हम लोग ने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और एक एक कॉलोनी में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट चालू कर दिया। ऑलरेडी 1000 आयुर्वेदा रक्षक किट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दीपिका धानेश्वर की रिपोर्ट, NBCN के लिए।